हिमाचल के चंबा जिला में शुक्रवार को कोरोना से दो लोगों की मौत हुई है। मृतकों में चंबा का 24 साल का युवक और 55 वर्षीय व्यक्ति शामिल है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक काफी महीने बाद एक दिन में दो व्यक्ति की कोरोना से मौत हुई है। वहीं सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना के मामले बढ़ना चिंता का विषय है। प्रदेश में 1800 से अधिक मामले हो गए हैं, लेकिन अस्पताल में भर्ती मरीजों का नंबर कम है। उन्होंने कहा कि सभी डीसी को निर्देश दिए गए हैं, जहाँ भी कोरोना के नए क्लस्टर विकसित हो रहे हैं वहाँ एहतियात बरतें। कोरोना की तीसरी लहर के बाद शुक्रवार को सर्वाधिक 438 नए कोरोना मरीज एक दिन में सामने आए हैं, जिससे अब संक्रमण दर 11.97% हो गई है। बीते 24 घंटे के दौरान कांगड़ा जिला में सबसे ज्यादा 92 और चंबा में 74 नए मरीज मिले। वहीं प्रदेश में शुक्रवार को 203 लोगों ने कोरोना को मात दी है। इसे दोगुना नए मामले में आने के बाद एक्टिव केस 2043 हो गए हैं। वहीं राज्य में अब तक कोरोना से 4128 लोग जान गंवा चुके हैं।